चलिए तो हम आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल साथियों आपको बताए थे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उससे पहले आज का मोटिवेशन, हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत मत खोना, खोना, अभी बहुत आगे आगे चलना। जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस के बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना दिखाना है। है। इस बात को करते हुए साथियों इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आपको पता ही है कि कल जो है हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट तक पढ़े थे। मैं आपको बताऊं कि पिट्स इंडिया एक्ट में दो तरह की बात किया गया था। उसमें जो था दोहरा प्रशासन प्रारंभ हुआ था, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर्स। हमेशा जो मेरे भाई डायरेक्टर जो होता है ना, व्यापार में होता है और राजनीति को बड़े बड़े हस्ती कंट्रोल करता है। इसलिए याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीति नीति में मामला, होता कौन है सा मामला भाई, राजनीतिक मामले राजनीति का। मामले के लिए होता है। साथियों इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 1793 के चार्टर अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें पहला बार ऐसे किया गया कि जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य एवं कर्मचारी के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। आप लोग गौर से सुनिए, 1793 से पहले जो था ना, ब्रिटेन के पैसा दिया जाता था, ब्रिटेन का जो ब्रिटेन संचित निधि का था ना उसके उससे दिया पैसा जाता दे था। भारत के लेकिन कर्मचारी धीरे धीरे बोला कि नहीं यार, इंडिया में काम कर रहा है तो क्यों नहीं इंडिया के पीएम के खजाना से दे पैसा दिया जाए। दिए। तो पूछता है कि पहला बार जो है कर्मचारी को किस एक्ट के तहत भारत के ही संचित निधि से पैसा देने जाने की बात किया गया, भारतीय राजस्व से? तो बोलेंगे सत्रह सौ 1793। तिरानवे यही लाइन एग्जाम में आएगा दोस्त, कि बोर्ड की सदस्य एवं कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था कब किया गया? 1793 1793। चार्टर में यही है। सब याद नहीं रहता, वहां 73 भी ऑप्शन रहेगा, 81 भी रहेगा, 84 भी तिरासी रहेगा और सत्रह तिरानवे सौ तिरानवे भी तिरानवे रहेगा। तो आप बहुत अच्छा जानते हैं 73 के बारे में, 81 के बारे में, 1784 के बारे में, है ना? 1784 चौरासी के के बारे बारे में में इस बात को याद रखिएगा कि 1793 में बहुत ही आसान है। नियंत्रण बोर्ड क्या सोचा कि जो भारत के राजस्व है ना, भारतीय राजस्व, उसी में से जो कंपनी के अंदर काम कर्मचारी कर्मचारी कर रहा है उसको उसको वेतन का वेतन देने की काम किया व्यवस्था जाए। किया गया। अब गौर फरमाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट अब आया है, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अधिनियम देखिए अब चार्टर से मत डरिएगा कि चार्टर है क्या। अरे भाई ये कानून है, जिस तरह से हमारे मोदी जी लॉकडाउन में ला देते हैं ना कृषि कानून, कृषि उसी तरह से तुम्हें लाया जाता है भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब इंडिया में आता है, इस समय इंडिया कंट्रोल ब्रिटेन में में था, था तो ये कानून ब्रिटेन में में आया था। इस अधिनियम की मुख्य मुख्य विशेषता है, पहला नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा बढ़ा दिया दिया गया। गया कितने साल के लिए? 20 20 वर्ष। साल आप गौर से देखिएगा ना, तो 20 20 साल पर ही नियम आ रहा है। आ रहा है। 93 के बाद आ रहा है ना, 13 13 में, अठारह तो सौ 20 तेरह साल, और फिर 13 से आता है 33 में। 33 तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था तो 20 साल के लिए फिर से वहां ब्रिटेन वाला बढ़ा बढ़ा दिया था, दिया। क्योंकि इसका इतना अधिपत्य हो गया था ना, वहां के अंग्रेज लोग चाह कर भी उस कंपनी को हटा नहीं पा रहा था, क्योंकि 217 पार्टनर के था ये ग्रुप। ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 लोगों का हिस्सेदारी217 था को हिस्सेदारी था। सरकार का औकात है, जैसे अभी जियो है उसको कैसे हटा देगा क्या भारत से? नहीं हटाने में हटाएगा। समय लगेगा, धीरे 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 धीरे। तो वही बात हुआ मेरे भाई, कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया बढ़ा गया। दिया दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को क्या कर दिया गया? छीन समाप्त लिया कर गया। छीन लिया गया। एकाधिकार मतलब समझ रहे हैं, इसका मोनोपोली था कि भारत में सिर्फ हम ही व्यापार व्यापार कर करेंगे सकते फिर हैं, कोई और नहीं, कोई और और नहीं। नहीं। लेकिन ब्रिटेन वाला कहा कि नहीं भाई, इतना दिन तो तुमको मौका दिया ना लूटने के लिए, अब ऐसा नहीं, अब कोई भी तो जाएगा, जाएगा व्यापार करेगा, कोई भी जाकर क्या करेगा? व्यापार करेगा, व्यापार करेगा। लेकिन बोला लेकिन कि चीन के नहीं, साथ। बोला कि नहीं भाई, इतना आसानी से छोड़ देंगे क्या? किंतु उसे चीन के के साथ साथ व्यापार एवं पूर्वी विदेशों देशों का के साथ
चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्ष के लिए एकाधिकार बना दिया। यानी ये दरोगा का मेंस में क्वेश्चन आया था कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जब कुछ नहीं लगाएगा तो 1813 समझना है, जब पूर्णतः कहेगा तो 1823 मारना है, जब कुछ नहीं बोलेगा तो 13, या अंशतः कहेगा, अंशतः का मतलब 90% हुआ है ना। और किसके साथ एकाधिकार बचा रहा जी, तो चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय, चीन और चाय याद करेंगे, चीन और चाय, यानी चीन में उसका एकाधिकार रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा, और जो पूर्वी देश है जहाँ चाय के लिए वो एकाधिकार था, लेकिन सब जगह से एकाधिकार को छीन लिया गया। अब दूसरा भी जो है ना कंपनी आकर यहाँ पर व्यापार कर सकता है। यही था भैया क्या 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे साथियों और बताते हैं, तो कंपनी के भारत ये तो हो गया ना, और याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम ही 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरीज आया था। कौन आया था? ईसाई, हाँ पादरी बोलेंगे या मिशनरीज बोलेंगे, ईसाई पादरी आए थे। और पहला बार जो है ना भारत के इतिहास में शिक्षा पर 1,00,000 रुपया खर्चा किया गया था। कितना खर्चा किया गया था? 1,00,000 रुपया, बताइए 1,00,000 रुपया शिक्षा पर, उससे पहले 1 करोड़ रुपया नहीं, उसको लूटने में उसको समय था, लेकिन पहला बार ऐसा हुआ कि 1,00,000 रुपया शिक्षा पर, 1,00,000 रुपया शिक्षा पर, और ईसाई पादरियों को यहाँ पर भेजा गया धर्म को चेंज करवाने के लिए कि जाइए भारत में जो है ना ईसाई को बढ़ावा दिया जाए। उसी को लिखा हुआ यहाँ पे कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार तो खोल ही दिया गया। और चौथा नंबर है 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। लेकिन याद रखिएगा इसमें दिया नहीं है 1,00,000 रुपया शिक्षा, आप लोग लिख लीजिए 1,00,000 रुपया पहला बार, कितना 1,00,000 रुपया जो है शिक्षा पर खर्चा किया गया, और ईसाई पादरियों को 13 से पहले आने का एंट्री नहीं था, लेकिन 13 में हो गया कि जाइए भारत में आपका आगमन है। तो बहुत आसान है भैया, पहला नंबर आएगा 1813 का जो चार्टर एक्ट है क्या, तो बोलेंगे कंपनी के लिए 20 साल तो बढ़ा दिया गया, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन कंपनी के एकाधिकार को क्या पूर्णता की अंशता छीना गया 13 में। कब छीना गया भाई? 13 में। और चीन के साथ व्यापार, मतलब जो चीन अपना है ना पड़ोसी, अब पूर्वी देश के साथ चाय, चीन और चाय है ना, उसको एकाधिकार रहने दिया गया। इतना तो आप लोग को याद हो ही गया। अब आगे आते हैं तो आपको पता ही है कि जब एकाधिकार को रहने दिया गया तो भारत में तो अब आ सकते थे ना, तब वही लिख रहा है कुछ सीमाओं के अधीन अब सभी ब्रिटिश नागरिक के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। याओ भाई तुम लोग भी अब लूटो है ना, लेकिन नियम के तहत लूटो। और आगे याद रखिएगा ईसाई पादरी को 1813 से पहले कोई एंट्री नहीं था। 1813 में ही ईसाई पादरियों का भारत में आगमन हुआ और पहली बार शिक्षा पर 1,00,000 रुपया खर्चा किया गया। कितना किया गया? 1,00,000 रुपया खर्चा किया गया। इस बात को भी याद रखना है। तो यही था 1813 का चार्टर अधिनियम। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं जो मेरे भाई पहले का है, अब बताया जाए कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। तो द्वैध शासन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो डायरेक्टर बिजनेस में होता है और कंट्रोलर राजनीति को कंट्रोल कोई बड़े लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपना बीजेपी है, मुकेश अंबानी के पास है यार, वो जो बोलेगा वही करता है, उसी तरह से इस बात को याद रखिएगा कि राजनीति को कंट्रोल और व्यापारी को क्या किया जाता है भाई, बिजनेस में डायरेक्टर होता है। और 1793 का चार्टर अधिनियम है क्या, तो बताया गया था ना
जो वेतन जो है ना भारतीय राजस्व, जो भी यहाँ पर कर्मचारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके कर्मचारी को वेतन देने की व्यवस्था जो है भारतीय राजस्व से किया गया। किससे किया गया? भारतीय राजस्व। और 20 साल बाद आया 1813, कहा कि 20 साल के लिए बढ़ाया जाता था, 1813 में कहा कि भैया एकाधिकार तुम्हारा खत्म हो गया, लेकिन पूर्णतः नहीं, अंशतः खत्म हुआ, इसे भी याद हो गया होगा। और चाय और पूर्वी देश के साथ एकाधिकार बना रहा, चाय है ना, चीन और चाय वाला बात रहा। और बात करते हैं तो 1,00,000 रुपया शिक्षा पर, 1,00,000 रुपया शिक्षा पर खर्चा किया गया, और ईसाई पादरियों को व्रत में आने की एंट्री दी गई 1813 में। यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब हम लोग आते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है कि आप सभी को पता है कि ब्रिटिश वार पहले ही वार्निंग दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि एकाधिकार को 20 साल के तुमको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आपकी पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त, जब पूर्णतः शब्द रहेगा ना 1833 ही मारना है। अब आगे हम आते हैं भाई, आप पता ही है कि अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मातृभूत का शासन करना रह गया था। और याद रखिएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दरोगा द्वारा 19 के पीटी में आया था कि किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बोलेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। तो वही ना लिखा हुआ है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का, अब बोला कि यार अब मेरा तो कंट्रोल पूरे इंडिया पर हो गया, पहले शुरू में बंगाले पर था, बंगाल जीतने का मतलब कि पूरे इंडिया को जीत गए, तो अब बोला कि क्यों हम बंगाल यार अब भारत के बोलेंगे। तो ये आ सकता है क्वेश्चन ना कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो बोलेंगे वारेन हेस्टिंग, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मुकेश कुमार जी कंफ्यूजन में है, इनको कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। बंगाल के गवर्नर पहला था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो फिर 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। याद समझ में आया? अब यहाँ से तो प्रथम स्टार्ट हुआ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स। अब 1833 में इसको इंड किया जाएगा, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन आया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कितना आसान है, यही पर लड़कों ऐसा फंस जाता है, पता नहीं चलता कि बंगाल के गवर्नर की क्या है। इस लाइन को गौर फरमाना है, और बंगाल के गवर्नर ये तो हो गया भाई, और बंबई तथा मद्रास के परिषद को विधि निर्माण शक्ति को वापस ले लिया गया, और विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में भी इसमें शामिल किया गया। और क्या है भाई, तो याद रखना है आपको, भारत में दास प्रथा के विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। मैं साथियों आपको बता दूं, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनब्रो ने दास प्रथा को अंत कर दिया, समाप्त कर दिया गया। वही लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने नरबली प्रथा को समाप्त किया। अरे हार्डिंग हार्ड था, नरबली प्रथा को क्या किया? समाप्त कर दिया। और एक दिन सप्ताह में छुट्टी होगा, ये कौन किया था? एलनब्रो ने किया था 1843 में। कब किया था? 1843। गवर्नर जनरल बता रहे थे तो कितना अच्छे से पढ़ाए थे।
1843 में होगा तो 33 एक ना हो जाएगी, 33 के बाद 53 आएगा सीधे, तो 20 साल में जो भी काम होगा वो सब 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही होगा। तो यही ना बोल रहा है कि दास प्रथा किसके समय में, तो याद रखिएगा लॉर्ड एलनब्रो के समय में 1843 में उन्मूलन का मतलब समाप्त करना होता है। सातवां नंबर है भाई अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर आयोग न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। मतलब इसके तहत कहा गया कि कोई जाति धर्म का बात नहीं होगा, जाति धर्म रंग है ना, ये सब का बात इस पे नहीं किया जाएगा। और आठवां नंबर पॉइंट है दोस्त, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। ये तो आपको पता ही है 1813 का चार्टर अधिनियम आया तो बोला गया ना कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं होंगे, भारत का गवर्नर जनरल होंगे। अच्छा भारत का गवर्नर जनरल होता है, बजट तो अब एक वो तैयार होगा, जैसे अभी इंडिया का बजट एक तैयार होता है ना, तो उस समय पहले बंगाल के अलग होता था, मद्रास के लिए अलग होता था, बंबई के लिए अलग होता था, लेकिन फिर से सबको मिला लिया गया तब ना बोला कि भारत के गवर्नर जनरल। तो पूछेगा सिंपल क्वेश्चन कि बताओ कि बजट का प्रावधान कब किया गया, किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। इस बात को याद रखिएगा कि संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। अब आगे आते हैं नौवां पॉइंट में, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन 1834। देखिए सिंपल क्वेश्चन आता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, 1833 और किसके, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले के समय में प्रथम विधि आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में। अधिनियम कहेगा तो 1833 मारेंगे, लेकिन ईस्वी कहेगा तो 1834 मारेंगे भाई, इस बात को याद रखिएगा। और गवर्नर जनरल मतलब राष्ट्रपति इस समय का पूरे देश के लिए एक ही बजट को क्या करेगा, पेश करेगा, भारत के लिए पेश करेगा। तो अब क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा, कल भी पढ़े थे और आज का भी सेशन दोनों को इंक्लूड कर पूछते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहां से आना ही है एग्जाम में। तो बताओ भाई कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल सही बात है। और बताओ भाई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल में चेंज कर दिया गया, नहीं किया गया जी। तो याद रखिएगा कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये तो आपको पता ही है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। हाई कोर्ट नहीं सोचना है, सुप्रीम कोर्ट समझना है, कौन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट 1774 में। और चीफ जस्टिस कौन बने, एलिजा एम्पे, और अन्य न्यायाधीश कौन, चैम्बर्स लिमिस्टर और हाइड। गुड, ऐसे ही बताना है तो तुम ऐसे बताओ तो यार तब सबको मार नहीं दोगे तुम। कर्मचारी के निजी व्यापार को रोक दिया गया, उपहार रिश्वत नहीं लेगा, किस एक्ट के तहत, 1773 के एक्ट के तहत। बहुत ही आसान से आप लोग बता रहे हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कब किया गया, 1773 में किया गया, 1773 में। ए भाई कितना बार आया है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट है क्या, तो बोलेंगे कि पहले खाली बंगाले के लिए कानून बनता था, लेकिन अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया 1781 में। अब आगे आते हैं, सभी को पता है
1784 में का सबसे इंपोर्टेंट एक ही बात किया गया है, 1700 दोहरा प्रशासन। कौन प्रशासन? दोहरा प्रशासन। व्यापार के लिए, व्यापार में डायरेक्टर होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। राजनीतिक में कंट्रोलर होगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो ये याद नहीं रहेगा 1784 बोलेंगे, द्वैध रहेगा, द्वैध प्रशासन हो गया। ऐसे ही बोलेंगे 4 × 8, यानी दोहरा प्रशासन हो रहा है ना, 4 × 8, तो 1784 हो गया, तो दोहरा प्रशासन हो गया ना याद। 1793 तो बुआ झुंझुन्ना है, 1793 में था क्या? तो जो कंपनी के कर्मचारी है उसको भारत के ही राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। और 1813 के चार्टर एक्ट बताया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, 1,00,000 रुपया शिक्षा पर किस एक्ट के तहत? 1813। और ईसाई लोगों को भारत में आगमन दिया गया, ईसाई पादरियों को 1813 जी 1813 से 13 के बाद ही करेंगे, 1813 से पहले नहीं था, 1813 से था, मतलब 12 में नहीं था लेकिन 13 से हो गया। और आगे बताया जाए कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः किस एक्ट के तहत? जब कुछ नहीं कहेगा तो 1813 बोलेंगे। और बताया जाए चीन और चाय के साथ एकाधिकार को पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया? 33 में। और जारी कब तक रखा? 13। इतने तो पूछता है जी, 1833 का चार्टर अधिनियम आप सभी को पता है कि व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और आप सभी को पता है, क्या पता है मेरे भाई? तो भारत के जो गवर्नर जनरल था ना, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और पूछेंगे दास पर था किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ? 1833 के तहत तेती हुआ। और बगैर बोलेगा कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 में किया गया, 1834। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दम इसको याद करना है। अब आते हैं हम लोग 1853 के चार्टर अधिनियम, याद करना बहुत आसान है। 33 के बाद 20 साल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1853 आएगा। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी के सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। और इसके लिए 1856 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि 1853 से पहले कंपनी ना था जी, तो डायरेक्ट वैकेंसी था, लेकिन बोला कि ना ना ना, ये तो बहुत भ्रष्टाचारी हो जा रहा है, अयोग्य आदमी भी कंपनी में काम कर रहा है, उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा होना चाहिए। अब जो पहले हुआ से हुआ, अब तो ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया ना। तो पहले मान लो जियो कंपनी था, प्राइवेट है, तो कैसे रख लिया, लेकिन अब सरकार के पास आ रहा है तो बोलिया कि नहीं अब प्रतियोगिता परीक्षा होगा, जो पहले हुआ से हुआ, लेकिन अब जो है ना पूछता है पहला बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई कर्मचारियों को 1853। वहां ऑप्शन रहेगा 13, 33, 53, 58, तो मारेंगे 53। उसमें डलहौजी चाचा थे, लॉर्ड डलहौजी। और आगे याद रखना मेरे दोस्त, इसके लिए 1854 में मैकाले समिति पूछेगा किस समिति इस पर तो मैकाले समिति। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। और इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा जाने लगा। ये पूछा हुआ है 1853 के चार्टर अधिनियम में कितने नए पार्षद जोड़े गए? 6 गो नए पार्षद जोड़े गए, जिसे विधान पार्षद कहा गया। क्या कहा गया? विधान पार्षद कहा गया। और उसमें विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो 53 तो बहुत आसान है जी, बोला कि नामजदगी के सिद्धांत को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। अरे नामजदगी का मतलब, ठीक है भाई, क्रम थी, मान लीजिए कि मेरा कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, हम बोले रजनीश और मुकेश काम करेगा, लेकिन बोला कि ना ना ना, ये तो पहले होता था, लेकिन अब जो है भैया कंपटीशन देगा, योग्य रहेगा तभी आप कंपनी में काम कर सकते हैं। तो पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे भाई,
कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई 1853 डलहौजी के समय में, याद रखिएगा 49 से होता है 56 तक उसका शासन, 1848 से 56 तक होता है इसका, लॉर्ड डलहौजी का होता है, इसे आप याद रखिएगा। और इसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और इसके तहत पार्षद में 6 नए पार्षद जोड़ा गया जिसको क्या कहा गया, विधान पार्षद। खेला यहीं तक नहीं रुका, इसके बीच में क्या हुआ दोस्त, 1853 का चार्टर अधिनियम आया ना, तो आगे 1857 की हम क्रांति नहीं पढ़ाए थे, 1857 की क्रांति हुआ उस समय वायसराय कौन बना बताइए, 1857 की क्रांति जो आया तो उसमें आपको पता है ना गवर्नर जनरल के पोस्ट इतना बदनाम हो चुका था, बोला कि ना भाई अब गवर्नर जनरल ना होगा, अब वायसराय होगा, क्योंकि 1857 की क्रांति में पूरा जो हुआ मार कत्ल लूटा लूटी हुआ ना, तो इसको समाप्त कर कर बोला कि अब गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब भारत का वायसराय होगा, क्या होगा वायसराय। 1858 की जो भारत शासन अधिनियम आया ना, तो गवर्नर तो पूछेगा क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, कौन था लॉर्ड कैनिंग, और किस अधिनियम के तहत, 1858 के भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम आपको मैं बताऊं किस तरह इतना बदनाम हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी, अब कहा कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जात हो ना वो सब महारानी एलिजाबेथ के हाथ में सौंप दिया गया, वही तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन, अरे ब्रिटिश क्राउन मतलब राजा, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। ये सिंपली क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन के कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया 1858 नहीं, 1857 में पूरा उपद्रवी हुआ और सौंप दिया गया कि अब भाई तेरे को नहीं दूंगा, अब कंपनी को हट जाओ, अब वहां नहीं तुमको रहने देंगे, अब मेरे हाथ में पूरा कंट्रोल रहेगा, वहाँ पे रॉयल फैमिली का चलता था, तो इसीलिए वायसराय वहाँ पे अपने हाथों में ले लिया। जी बिल्कुल, इस बात को याद रखिएगा कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, किसका व्यवस्था किया गया, मंत्री पद। जब भैया चल के लिए संसद में, तो मंत्री पद नहीं होगा, वो तो पहले चिला चुटरी रहता था कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, लेकिन अब क्या होगा, मंत्री पद। पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई 1858 के भारत शासन अधिनियम, और 15 सदस्य की भारत पार्षद का सृजन हुआ जिसमें 8 गो रहेगा ब्रिटिश सरकार के और 7 गो रहेगा किसका, कंपनी के। वो बोला कि ठीक है अपने हाथ में ले लीजिए, लेकिन हम अभी छोड़ेंगे नहीं। भाई इतना बड़ा साम्राज्य हम भारत को जीत लिए हैं, वो ब्रिटेन ना जीता था, उसका कंपनी जीता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसमें 217 गो पार्टनर था वो जीता था। बोला कि ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन 8 गो आप रहिए, 7 गो हम रहेंगे। पूछा हुआ है कि कितने सदस्य भारतीय परिषद का सृजन किया गया, 15 गो, 8 गो ब्रिटेन के सरकार से रहेगा और 7 गो कंपनी के सदस्य के निदेशक मंडल रहेगा। और याद रखना मेरे भाई कि अब क्या हो गया कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। अब जो है, अब जो वहां पर कानून बनेगा ना सीधे यहाँ इम्प्लीमेंट होगा, है ना, लागू होगा। जैसे दिल्ली में कोई भी बन गया तो फिर बिहार में भी लागू हो जाएगा, उस तरह से इंडिया कोई भी कोने में, उसी तरह से अगर वहां लागू हो गया ब्रिटेन पार्लियामेंट में, ये तो यहाँ सीधे लागू होगा ही होगा। अब आगे मैं बात करता हूँ भाई, तो जरूर याद रखना हम लोगों को कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अरे बहादुर शाह जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिल पाया यार, और रंगून में उसको दफनाया गया, तो भैया उसको पद अब कोई रहा ही नहीं, तो उसको कहां, पद को क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया, क्योंकि पिया गए रंगून, है ना, रंगून चले गए तो अब तो कोई रहा ही नहीं, तो मुगल के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। उत्पत्ति लिया था कब? 1784 में, पर 4 × 8 द्वैध शासन आया था। देखो भाई भाई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1784 में पैदा लिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, लेकिन इसको समाप्त कब कर दिया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, और वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था? उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था, उसी का वाक्य अंतिम होता था। इसका भाई भारत तो के जो राज्य सचिव था उसी के बाद, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रतिनिधि करता था, है ना, वो जो बोल देगा वही चलेगा, वो अच्छा हो या बुरा हो, तो वही ना बोल रहा है कि चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। और याद रखना मेरे भाई कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। इसको थोड़ा सा हम रीजन में ले लेते हैं, आप लोग बताइएगा। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम है आखिर क्या भाई? तो मैं आपको बताऊं कि इसको कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया, क्योंकि भाई बहुत बदनाम हो चुका था। 1857 की क्रांति मंगल पांडे कर दिया था ना, भेदभाव का नीति था, तो उसको समाप्त करने के लिए क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। और पहला बार मंत्री पद का क्या किया गया? सृजन किया गया, व्यवस्था किया गया, और 15 सदस्य के भारत पार्षद बना, है ना, जिसमें 8 को ब्रिटेन से और 7 को कंपनी से, ये तो याद हो ही गया होगा। और याद रखिएगा, अब भारतीय मामलों पर ब्रिटेन वाले को डायरेक्ट क्या हो गया? कंट्रोल हो गया, ब्रिटिश संसद के प्रति क्या हो गया? उत्तरदायी हो गया। और भारत के, अब पता है ना आपको, एक भारत के राज्य सचिव का भी गठन किया गया, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया, अब भारत के राज्य सचिव के, और ये जो राज्य सचिव था ना, आपको भारत के प्रशासन में संपूर्ण नियंत्रण ले लिया, कौन? भारत के राज्य सचिव, चाहे कोई भी नीति हो या अनीति, जो बोल दिया जो लागू होगा। और याद रखिएगा कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हुए। इसको हम यहीं पर इंड करते हैं मेरे भाई, जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, धन्यवाद।